नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्ट्रीज ट्यूब पर। शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी को। यह इस कहानी का तीसरा भाग है। पहले के दो भाग देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और उन्हें ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को आगे की कहानी सुनाता हूँ। अर्जुन देव के जाने के बाद 3 दिन बीते थे कि एक दिन एक पुलिस कांस्टेबल मेरे पास आया और बोला, आपने जो रिपोर्ट लिखवाई थी उसके बारे में दरोगा जी आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने अपने एक स्थानीय दोस्त की मदद ली और पहुंच गया दरोगा जी से मिलने। वहां पहुंचा तो थानेदार ने मुझे बैठने के लिए कहा और बोला, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि गड़ी वालों के खिलाफ मत जाओ, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुमने मेरी बात नहीं मानी और अब ये जाँच पूरी हो गई है। मैंने पूछा, तो क्या चंद्रावती मिल गई है? दरोगा जी ने कहा, तुम्हारी सौतेली माँ का पता मिल गया है, वह अपने नए मकान में रह रही है और उसके बयानों से आपकी रिपोर्ट झूठी साबित होती है। मैंने बोला, आप ये क्या कह रहे हैं? दरोगा ने बताया कि चंद्रावती का बयान है कि आग उसकी गलती से लग गई थी, किसी तरह वो अपनी जान बचाकर भाग निकली और उस रात तुम घर में नहीं थे और घर जल जाने के कारण वह किसी रिश्तेदार के पास चली गई थी और कुछ दिन बाद वहाँ से लौटी और नए मकान में रहने लगी। तुम्हारी रिपोर्ट झूठी है, ऐसा लगता है तुमने ये रिपोर्ट ठाकुर से व्यक्तिगत रंजिश के कारण लिखवाई है। ऐसा नहीं है, हरगिज नहीं, मैंने मुट्ठियां भींच कर कहा। दरोगा बोला, ज़्यादा उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है, मुझे तुमसे सहानुभूति है। कोई दूसरा होता तो मैं उसे झूठी रिपोर्ट लिखवाने के जुर्म में गिरफ्तार कर चुका होता। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चंद्रावती ने ऐसा बयान क्यों दिया। इसके बाद दरोगा बोला, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे तुम्हें जो बताना था मैंने बता दिया है। बस मेरी एक ही सलाह है, तुम्हें घड़ी वालों से दूर रहना। आज तक जो भी उनसे भिड़ा है उसका अंत बुरा ही हुआ है। तुम्हारे पिता ने भी यही गलती की थी। थानेदार की बातें मेरे सीने में नस्तर की तरह उतर गई। सूरजगढ़ी के ठाकुर ने मेरी दुनिया बर्बाद कर दी थी और चंद्रावती ने भी मेरा साथ नहीं दिया। चंद्रावती ने ऐसा बयान क्यों दिया, इस सवाल का जवाब भी मुझे किसी भी कीमत पर जानना था। मेरे सीने में बगावत थी, मुझे किसी भी कीमत पर ठाकुर से बदला लेना था। अगर उसके लिए मुझे जान भी देनी पड़ती तो मैं तैयार था। मेरे दिमाग में ऐसी हजारों बातें चल रही थी। आज फिर वैसे ही पानी बरस रहा था जैसे पहले दिन मेरे यहाँ आने पर बरस रहा था। वैसे ही तूफानी रात थी, आज रात और भी भयानक और काली होगी, पर मेरे लिए तो सारा संसार ही अंधेरे की दीवार है। मैंने गाँव से शंभू को चिट्ठी डालकर बुलवा लिया था क्योंकि वह मेरे भरोसे का आदमी है। हम दोनों घोड़े पर बैठकर गांव की तरफ चले जा रहे थे। घोड़े की लगाम शंभू के हाथों में थी। इस रात भी मूसलाधार पानी बरस रहा था। बड़ी खामोशी से हम दोनों की यात्रा जारी थी। बस बीच बीच में मैं उससे पूछ लेता था कि अभी हम कहां तक पहुंचे हैं। कुछ देर बाद मैंने उससे पूछा, अब कितनी दूर है शंभू? शंभू बोला, बस पहुँचने ही वाले हैं साहब बहादुर, हम शमशान के पास आ गए हैं। शमशान का नाम सुन के मैंने शंभू से कहा, तुम्हें उस रात की बात याद है शंभू, जब हम यहाँ से पहली बार आए थे? शंभू बोला, हाँ याद है साहब बहादुर, उस रात हमने शमशान घाट पर कुछ अजीब आग देखी थी। क्या वह आज भी दिख रही है शंभू? शंभू ने कहा, हाँ साहब बहादुर, वह अज्ञा बैताल था। पर आप तो इन बातों पर यकीन नहीं ही करते हैं ना? अचानक शंभू की आवाज़ काँपने लगी और घोड़ा रुक गया। मैंने उससे बोला भी, क्या बात है शंभू, घोड़ा क्यों रोक दिया तुमने? वह इधर ही आ रहा है। कौन इधर आ रहा है? मैंने पूछा। शंभू कांपते हुए बोला, बैताल। आज भी वैसा ही हो रहा है साहब बहादुर, हे भगवान, वह हवा में तैरता हमारी तरफ ही आ रहा है। शंभू की आवाज़ कांप गई, वह आगे कुछ बोलना चाहता था पर उसकी आवाज़ घुटकर रह गई। उसी समय घोड़ा हिनहिनाया और भूचाल की तरह दौड़ पड़ा। साहब बहादुर, शंभू की एक भयानक चीख सुनाई दी और फिर वह चीख मुझसे दूर होती चली गई। मैं तुरंत संभल कर घोड़े की पीठ से चिपक गया और उसके गर्दन के बालों को पूरी मजबूती से पकड़कर बैठा रहा। वह पागलों के समान भड़ककर भाग रहा था। अचानक वह उछला और मैं जमीन पर लुढ़कता चला गया। शरीर के कई अंग रगड़ खाते चले गए, आंखों में कीचड़ धस गई और नाक मुंह का बुरा हाल था। तेज फुहार और हवा की साए साए के बीच मुझे अपना दम घुटता हुआ प्रतीत हुआ। घुटने और कोहनियां छिल गई थी। मैं किसी तरह खड़ा हुआ और तूफान का मुकाबला करता हाथ फैलाए आगे बढ़ता रहा। अचानक मेरे हाथ किसी कटीले तारों से टकराए। मैंने उसे टटोलकर देखा। शीघ्र ही मेरी समझ में आ गया कि ऐसे तार सरहद बांधने के काम में आते हैं। मैंने घोड़े की पीठ पर कुछ ही मिनट बिताए थे।
इसका मतलब मैं शमशान के आसपास ही हूँ और शमशान के पास तो एक ही घर है, या तो स्वयं हमारा नया मकान होना चाहिए। इसकी पुष्टि के लिए मैं तार के सहारे आगे बढ़ा। कुछ मिनट बाद ही मेरे हाथ लकड़ी के फाटक से टकराए जो टूटा फूटा था। मैंने उसकी कुंडी को जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया। भीतर से आवाज़ आई, कौन है? वह किसी स्त्री की आवाज़ थी। मैं बोल पड़ा, मैं रोहतास हूँ। कुछ पल बाद किसी ने दरवाज़ा खोला और मैं लुढ़कता हुआ भीतर गिर पड़ा। रोहतास, तुम्हारा यह हुलिया कैसे बना है? स्त्री ने कहा। कौन है आप? मैंने मन की शंका मिटाने के लिए पूछा। मैं चंद्रावती हूँ, इस घर की अभागी औरत। क्या तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो? मुझे सहारा चाहिए। मैंने हाथ फैलाए और एक गर्म नाजुक हाथ मेरे हाथ से टकराया और फिर मुझे ले जाकर किसी मेज पर बैठा दिया गया। चंद्रावती ने कहा, तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे किसी दलदल से लड़कर आ रहे हो। मैंने कहा, वह तो मामूली ठोकर थी और किसी अंधे के लिए ऐसी ठोकरें खाना आम बात है, क्योंकि उसका सारा जीवन ठोकरों में बीतता है। चंद्रावती चौंक पड़ी और बोली, तो क्या यह सच है कि तुम्हारी आँखें नहीं रही? हाँ, मैं अंधा हूँ, लेकिन आपको इससे क्या दुख है? चंद्रावती ने कहा, तुम मुझे कभी नहीं समझ सकते। खैर, ये सब छोड़ो, तुम यहाँ तक अकेले आए कैसे? मैं यहाँ अपने सवालों के जवाब मांगने आया हूँ। तुमने मेरे साथ ऐसा विश्वासघात क्यों किया? चंद्रावती ने कहा, तुम समझते क्यों नहीं? मैं नहीं चाहती तुम इस झमेले में पड़ो। मैंने फिर कहा, तुमने इंस्पेक्टर को झूठ क्यों बोला और मेरे साथ धोखा क्यों किया? मैंने तुम्हारी रक्षा की है, धोखा नहीं किया। रोहतास, जरा शांत होकर सोचो। जिसने अपने पति को अपने सामने मरते देखा हो, जिसके पास खोने को कुछ ना हो, वह स्त्री विश्वासघाती नहीं हो सकती। तो तुमने झूठ बोला क्यों? मैंने चंद्रावती से पूछा। तो सुनो, सच्चाई क्या थी? एक पल चुप रहने के बाद उसने कहा, या तो तुमसे छिपाना होगा कि उस रात मेरा अपहरण कर लिया गया था। तुम्हारे लिए इतना ही जानना काफ़ी है कि उस रात जो कुछ हुआ उसके जिम्मेदार गढ़ी के लोग हैं। वे तुम्हें जान से ख़त्म कर देना चाहते थे और वह कुत्ता ठाकुर मेरी असमत लूटना चाहता था, इसलिए मेरा हरण कर लिया गया और तुम्हें जिंदा जलाने के लिए मकान में आग लगा दी गई। मुझ बदनसीब के साथ क्या क्या बीती यह बताते हुए मेरा कलेजा भी कांप उठता है। मैं तो डूब मरती, लेकिन मुझे जिंदा रहना पड़ा। और उस रात जब वे तुम्हें बेहोश हालत में गढ़ी के भीतर लाए, तो ठाकुर ने उस काले शैतान तांत्रिक को हुक्म दिया कि जादू से तुम्हें मार दे और उसके बाद लाश जंगल में फेंक दी जाती। मैंने ठाकुर की भीख मांगी। वह तुम्हें इसलिए मार देना चाहता था क्योंकि किसी ने खबर फैला दी थी कि तुमने अज्ञा बैताल सिद्ध किया हुआ है। तुम्हारे पिता भी बैताल सिद्ध करना चाहते थे ताकि तांत्रिक भैरव, जो ठाकुर की मदद के लिए आया है, उसका जादू काटा जा सके और ज़रूरत पड़ने पर भैरव सहित ठाकुर खानदान का विनाश कर सके। तंत्र विद्या के बारे में अधिक कुछ नहीं जानती, सिर्फ विश्वास करती हूँ कि जादू सब कुछ कर सकता है। भानु प्रताप को संदेह था कि कहीं तुम अपने पिता का बदला न लो और बैताल का प्रयोग उस पर शुरू न कर दो। मैंने गिड़गिड़ाकर उसे बहुतेरा समझाया कि बैताल वाली बात झूठ है। उसे थोड़ा थोड़ा यकीन हो गया और पूरा विश्वास तब हुआ जब भैरव तांत्रिक ने अपने जादू का जोर तुम पर चलाया। उसका कथन था कि तुम्हारे साथ बैताल होगा तो तुम जाग जाओगे, अन्यथा तुम्हारी नेत्रों की रोशनी छिन जाएगी। मैं चीख पड़ी, ऐसा जादू ना चलाने की विनती की, पर ठाकुर ने एक न सुनी। मैं जानती थी तुम नहीं जागोगे और ऐसा ही हुआ। बाद में ठाकुर ने कहा कि दुश्मन को जिंदा रखना ठीक नहीं, चाहे वह तांत्रिक विद्या ना जानता हो तो भी खतरनाक है। मैं फिर लड़ाई, मैंने कहा, एक अंधा इंसान किसी का क्या बिगाड़ सकता है। काफ़ी कोशिश के बाद उसने एक शर्त रखी और मैंने मान ली। उसकी शर्त के अनुसार मुझे उसकी रखेल बने रहना था, जब तक वह चाहता है तब तक। जब वह चाहेगा मुझे बुला लेगा और जंगली पशु की तरह रौंदता रहेगा। तुम्हारे प्राणों के सामने यह शर्त मुझे बौनी सी लगी और मैं मान गई। फिर उसके आदमी तुम्हें किसी जंगल में छोड़ आए और मैं वहीं रही। उसने जो चाहा मेरे साथ किया। उसके बाद एक दिन जब उसे ज्ञात हुआ कि उस कांड पर पुलिस उसकी जांच कर रही है, उसने मुझे धमकी दी कि यदि सच्चाई बताई तो वह तुम्हारी जान ले लेगा। मैं उसकी शक्ति देख चुकी थी। मैं जानती थी उससे टक्कर लेना अपनी जान गंवाना है। मुझे भय था कहीं वह सचमुच तुम्हें ना मार दे और इसी कारण इस नए मकान में आकर मुझे वह झूठ बोलना पड़ा। रोहतास, अगर अब भी इस अम्बला को तुम विश्वासघाती समझते हो तो सजा चाहे जो दे सकते हो, बस सच्चाई मैंने सामने रख दी है। मैं बुद्ध की तरह खामोश हो गया। मुझे दुख हुआ कि मैंने उसके प्रति कड़वे शब्दों का प्रयोग किया था। वह तो मुझसे अधिक दुख भोग रही थी, फिर भी बेजान आठ मास के शरीर के लिए जी रही थी। मैंने उससे माफ़ी मांगी, पर उसने कहा, मैं इस योग्य कहाँ हूँ, पर तुम्हें एक सलाह दे सकती हूँ, सवेरे वापस लौट जाना। अगर उस जालिम को पता लग गया तो तुम अपने प्राण संकट में डाल लोगे। तुम्हें बचाने के लिए अब मेरे पास कुछ भी तो नहीं है। मैं अबला स्त्री अपना आखिरी शस्त्र भी खो चुकी हूँ।
विश्वास रखिए, अब आपको मेरी हिफाजत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन यह भी नहीं होगा कि गड़ी वाले चैन की सांस ले लेंगे। मैं आखिरी दम तक उससे लड़ूंगा और मैं जानता हूँ एक दिन उसे अपने पापों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। क्या मतलब, क्या तुम गड़ी वालों से बदला लोगे? आपकी बात मैं मान लूँगा, यहाँ से चला जाऊँगा, परंतु आपको मेरे पिता की सौगंध यदि मुझे इस काम से रोका। नहीं नहीं, वह रो पड़ी, रोहतास मुझे ऐसी सौगंध मत दो, तुम अपने शब्द वापस ले लो, मैं यह फैसला कर चुका हूँ। लेकिन तुम क्या कर सकोगे, कैसे करोगे? जो भी रास्ता मुझे सुझाई देगा, चाहे वह पाप का रास्ता हो, मैं उस पर चलूँगा। उसने मेरे कंधों पर हाथ रख दिए। रोहतास, क्या तुम मेरी कुर्बानी पर पानी फेर देना चाहते हो? नहीं, आपकी कुर्बानी का हिसाब लेना चाहता हूँ। आप मुझे रोक नहीं सकती, हाँ यदि मेरी सहायता कर सकती हैं तो बोलिए, मेरा साथ देंगी या नहीं? खामोशी छा गई और फिर वह चीख कर बोली, हाँ मैं उससे बदला लूँगी। फिर उसने मुझे अपने सीने से लगा लिया। सारी रात अनेक विचारधाराओं में बीती। मैं करवटें बदल बदल कर यही सोचता रहा कि ठाकुर से कैसे बदला लूँ। सारी घटनाएं मेरे मस्तिष्क में चलचित्र की तरह घूमती रही, पर कोई निश्चय नहीं ले पा रहा था। रह रहकर मेरे दिमाग में एक ही बात गूंजती, आखिर अज्ञा बैताल का नाम इतनी बार क्यों सुना? आखिर उसने सिर्फ यह जानकर ही मुझे मारने का क्यों सोचा? और फिर शंभू का चीखना, यह विचित्र आवाज़, घोड़े का भड़कना, क्या सचमुच बैताल है? अगर तंत्र में शक्ति ना होती तो मेरे नेत्रों की ज्योति क्यों चली जाती? गड़ी वालों के ऊपर एक तांत्रिक की छाया है, वह भी तो मेरा शत्रु है। फिर इतने खौफनाक लोगों से मैं अंधा कैसे निपट सकता हूँ? हर बात मस्तिष्क में चक्कर काटती और एक चक्रव्यूह के समान घूम फिरकर एक ही खाने में स्थिर हो जाती। अज्ञा बैताल, आखिर अज्ञा बैताल क्या है, अगर मैं उसे सिद्ध कर लूँ तो? सारी रात इसी दुविधा में गुजरी। सवेरे मुझे लगा जैसे मेरी समस्याओं का हल अज्ञा बैताल ही है। मैं अज्ञा बैताल सिद्ध करना चाहता हूँ। मेरा यह निर्णय सुनकर किसी को भी आश्चर्य हो सकता था और उसे होना भी चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। चंद्रावती ने शांत स्वर में कहा, मैं जानती हूँ इसके सिवा कोई चारा भी नहीं, लेकिन मैं यह नहीं चाहती कि तुम इस घृणित जिंदगी के फेरे में पड़ो। परंतु तुमने जो कुछ रात तय किया उसे बड़े काम को सिर्फ अज्ञा बैताल पूरा कर सकता है, और जिस दिन उसका जादू कट गया तुम्हारी आंखों की रोशनी भी वापस आ जाएगी। लेकिन मैं इस विद्या के बारे में कुछ भी तो नहीं जानता। शायद तुम्हारे पिता की आखिरी इच्छा यही रही हो कि जो काम वह ना कर सके तुम उसे पूरा कर लो। आदमी जब किसी उद्देश्य प्राप्ति की दिल से ठान लेता है तो सब कुछ कर सकता है। लेकिन रोहतास, क्या तुम अंतिम बार सोच चुके हो? हाँ, मैंने सारी रात सोचा है और इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ कि यदि अज्ञा बैताल में सचमुच शक्ति है तो मैं वह पहला व्यक्ति होऊंगा जो उसे प्राप्त करने के लिए सब कुछ अर्पित कर दूंगा। यहाँ एक बहुत पुरानी पुस्तक रखी है, वह पुस्तक तुम्हारे पिता ने मंगाई थी, उसमें अज्ञा बैताल सिद्ध करने का तरीका लिखा है। लेकिन मैंने जो पढ़ा वह बड़ा भयानक है। कैसा भी हो मैं हर खतरे में कूदूंगा, मुझे वह पुस्तक पढ़कर सुनाओ। थोड़ी देर बाद वह पुस्तक लेकर आ गई। मैं ले आई हूँ और मैं सुनाने के लिए तैयार हूँ, तो सुनो, मैं इसका पहला पन्ना पढ़कर सुनाती हूँ। कुछ पल मौन रहने के बाद उसने पढ़ना शुरू किया। इस पुस्तक को पढ़ने से पूर्व पाठक को यह विदित कर देना अनिवार्य है कि यह पुस्तक अज्ञा बैताल के विषय में संपूर्ण विवरण लिए है एवं अलौकिक संसार के रहस्यपूर्ण तंत्र मंत्र से ओतप्रोत है। परंतु इसे पढ़कर कोई भी प्रयोग करने में प्रथम यह समझ लेना चाहिए कि यह क्रियाएँ अत्यंत घृणित हैं। इंसान इस दुराग्रह में फंसने के पश्चात कभी मुक्त नहीं हो पाता। उसके लिए सभी सांसारिक सुख समाप्त हो जाते हैं और वह एक गंदा जीवन जीता रहता है। कोई भी तांत्रिक इस संसार का सबसे घृणित निम्न स्तर का मानव समझा जाता है, जिसके लिए स्वर्गलोक के द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। अतः मेरा विनम्र निवेदन है कि कोई भी इस गंदे जीवन में ना कूदे। इतना पढ़कर चंद्रावती खामोश हो गई। मैंने चंद्रावती को आगे पढ़ने का इशारा किया और वह किताब को पढ़ने लगी। उस सारी किताब को पढ़ने के बाद मेरे मस्तिष्क में विशेष परिवर्तन आता गया। मैं अपने निश्चय से पीछे नहीं हटना चाहता था। मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे मैं संसार के सभी सुखों से दूर होता जा रहा हूँ और एक गंदा आदमी बन गया हूँ। बैताल की साधना कितनी घृणित थी, इंसान उसे सोचकर ही कांप उठे। ऐसा करने के लिए शायद ही कोई तैयार हो सकता था। जो कुछ उसमें मौजूद था वह सचमुच भयानक था। इसके आगे की कहानी में शुरुआत होगी इस उपन्यास के असली रोमांच और डरावनेपन की। अगले भाग में शुरू होगा रोहतास के तांत्रिक बनने का सफ़र, और साथ में हम यह भी देखेंगे कि तांत्रिक बनने के लिए उसे क्या कीमत चुकानी पड़ी। दोस्तों, आप सब बने रहिए हमारे साथ। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्दी मिलता हूँ आप सभी से अगले भाग में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।